हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जावा में टोकेंस क्या होते हैं, जावा में टोकेंस क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जावा टोकेंस। टोकेंस का मतलब क्या होता है? बेसिक बेसिक आपने सी में भी पढ़ा होगा टोकेंस, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा टोकेंस। यदि आपने सी और सी प्लस प्लस में नहीं पढ़ा तो आप जावा में पढ़ लीजिए। ठीक, तो जावा जो होता है, तो जावा प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ टोकेंस। जो जावा प्रोग्राम होता है वो टोकेंस का कलेक्शन होता है, मतलब उसमें टोकेंस बहुत सारे यूज होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं वही चीज़ आज हम देखने वाले हैं। कमेंट्स एंड वाइट स्पेस जावा लैंग्वेज इंक्लूड। जिस तरह से जावा में कमेंट और वाइट स्पेस के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे टोकेंस होते हैं। ठीक, तो जावा में टोकेंस पांच प्रकार के होते हैं। ठीक, ये पांच प्रकार के टोकेंस क्या क्या होते हैं? पहला है रिजर्व कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा लिटरल्स, चौथा है ऑपरेटर, पांचवा है सेपरेटर। तो रिजर्व कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिजर्व कीवर्ड। तो जावा प्रोग्राम में यूज होने के लिए कुछ कीवर्ड्स रिजर्व किए गए हैं जो कि उनका मीन्स बदल नहीं सकता और उनको यूज करना अनिवार्य है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स के लिए आपने जैसे सी और सी प्लस प्लस में यदि पढ़ा है तो अच्छी बात है। कीवर्ड्स जैसे सी में हमने पढ़ा था 32, 32 कीवर्ड होते हैं। ठीक, वही सी प्लस प्लस में बढ़ के डबल हो गए। ठीक, उसमें भी बहुत सारे इंक्लूड थे। सी के सारे जो जितने भी कीवर्ड थे वो सारे सी प्लस प्लस में यूजेबल थे, लेकिन जो जावा है वो सी और सी प्लस प्लस के सभी कीवर्ड्स यूज नहीं करता, कुछ कीवर्ड्स यूज करता है और 27 नए कीवर्ड्स ऐड किया है इसने जावा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं कि जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कीवर्ड्स का मैं डिफिनेशन आल दो, जावा हैज बीन मॉडल्ड ऑन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी और सी प्लस प्लस की तरह ही जावा भी कीवर्ड यूज करता है, लेकिन जावा डज नॉट यूज मैनी ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस कीवर्ड्स। जावा सभी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका यूज जावा नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड हैड एडेड एज मैनी एज 27 न्यू कीवर्ड्स टू इम्प्लीमेंट द न्यू फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज। जावा जो है वो 27 यानी 27 कीवर्ड नए कीवर्ड्स इम्प्लीमेंट किया है जो कि इस लैंग्वेज की फीचर्स हैं। ठीक, विशेषता है द कीवर्ड दैट आर यूनिक, जो कि यूनिक होते हैं, जितने भी कीवर्ड होते हैं यूनिक होते हैं, जिनका मीन्स कुछ ना कुछ होता है और उनके मीन्स को हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक, तो जो जावा कीवर्ड होते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या होते हैं, अबस्ट्रैक्ट, केस, कॉन्स्ट, एल्स, फ्लोट, इफ, इंट, नल, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, थ्रेड, शेप, ट्राई, बुलियन, कॉस्ट, कंटिन्यू, एक्सटेंड, फॉर, इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस, ऑपरेटर, पब्लिक, सुपर, थ्रो, वेयर, ब्रेक, कैच, डिफॉल्ट, फॉल्स, फ्यूचर, इम्पोर्ट, लैंग, आउटर, रेस्ट, स्विच, थ्रो, वाइड, वाइट, पैर, डू, फाइनल, जेनरिक, इनर, नेटिव, पैकेज, रिटर्न, सिंक्रोनाइज, ट्रांसिस्ट, वोलेटाइल, बाई वैल्यू, क्लास, डबल, फाइनली, गो टू, इंस्टेंस ऑफ न्यू, प्राइवेट, सॉर्ट, दिस, ट्रू, वाइल। ठीक, तो इसमें से कुछ फ्यूचर के लिए रिजर्व किए गए हैं, जरूरी नहीं है कि जितने भी ये मैंने बताए ठीक तो वो सारे अभी यूज हो रहे हैं, ये वो कुछ फ्यूचर के लिए किए गए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक, थ्रेड सेफ, कास्ट, ऑपरेटर, वेयर, आउटर, रेस्ट, इनर, बाय वैल्यू, गो टू, ये सारे फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और अभी तो नहीं हो रहे हैं। ठीक, जो जावा में डिफाइन किए गए हैं नल वैल्यू, फॉल्स वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ये वैल्यू डिफाइन है जावा में। ठीक, तो हमने क्या जाना आज कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक, अब हम अगले ट्यूटोरियल में क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक, हमने सी सी प्लस प्लस में पढ़ा है और जावा में भी आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे कीवर्ड्स में कुछ नए इंप्लीमेंट हुए, कुछ सी और सी प्लस प्लस के यूज नहीं होते, उसी तरह से कुछ आइडेंटिफायर में भी नया होगा। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।